आज की वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है या फिर वो लोग जो इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। बेसिकली बिगनर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो किस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ फंड्स के नाम बताऊंगा जिसमें अगर आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको इन फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप म्यूचुअल फंड को और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारी म्यूचुअल फंड वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी नए लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि जिस भी फंड में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अगर उन्हें उस पर लॉस हो गया तो, या फिर जब उन्हें पैसों की जरूरत है तो वो पैसा बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गया तो क्या होगा। और जिस ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर फ्यूचर में उन्हें बैन कर दिया गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। देखिए, वॉरेन बफे जी भी इस बात को बहुत क्लियरली बताते हैं। अगर आपने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को पढ़ा होगा तो उसमें जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की डिफिनेशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें आपको तीन बातों का खास ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहले होता है एनालिसिस कि जिस भी फंड में या फिर जहां पर भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आप उसकी अच्छे से एनालिसिस कर लें। दूसरी चीज होती है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल कि जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो बढ़े ना बढ़े वो बाद की बात है, लेकिन वो सेफ रहे, यानी कि उस पर हमें लॉस ना हो, वो सेफ रहे। और तीसरी चीज होती है एडुकेट रिटर्न। देखिए, वॉरेन बफे जी के हिसाब से तो एडुकेट रिटर्न का मतलब होता है 12-13%, यानी कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको 12-13% की रिटर्न दे रहा है तो इट इज सेटिस्फैक्शनरी रिटर्न, वो एक अच्छा रिटर्न होता है। पर म्यूचुअल फंड्स हमें इससे ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अब SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि आप अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें। तो आज जिन फंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें से कुछ लार्ज कैप फंड्स हैं और कुछ इंडेक्स फंड्स हैं। तो इनके नाम जानने से पहले हम ये जानते हैं कि क्यों आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें सबसे पहला फायदा होता है आपको डाइवर्सिफिकेशन का। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके 10-10 रुपए को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, और ये उन कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है जो कि ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है, यानी कि अपनी इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज होती हैं। ये शेयर मार्केट की जॉइंट कंपनीज होती हैं जिनमें अगर 1-2% का एरर आता है अगर लार्ज कैप फंड्स में, तो स्मॉल कैप फंड 15-20% से टूटता है। तो ये इतनी एस्टेब्लिश कंपनीज होती हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से जो आपका वोलेटिलिटी का रिस्क होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। जैसे अगर लार्ज कैप फंड्स 2-5% से टूटते हैं तो जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, वो 15-20% से टूटते हैं। तो ये आपको डाउनवर्ड प्रोटेक्शंस भी अच्छी प्रोवाइड कराता है। अब डाउनवर्ड प्रोटेक्शंस क्या होती है कि अगर किसी फंड में 15-20% की गिरावट आ रही है तो आपके फंड में सिर्फ 1-2% की ही गिरावट आपको दिखाई देगी, और उसे भी ये कंपनीज बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेती हैं। दूसरा फैक्टर आता है लोअर रिस्क का। जब भी आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन इन्वेस्टमेंट को एज अ कंसीडर किया जाता है लोअर रिस्क की इन्वेस्टमेंट में। जब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ओवरऑल पूरी स्टॉक मार्केट की ग्रोथ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जब स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा तो आपके इंडेक्स फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगी, और इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देती है और जो आपका रिस्क होता है उसको बहुत ही ज्यादा कम कर देती है। तीसरा फैक्टर होता है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब होता है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे चार्ज करती है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए, लेकिन इंडेक्स फंड में हमारे फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है, ये एक पैसिव मैनेज्ड फंड होता है। इसमें क्या होता है कि सिंपली इंडेक्स में जो फंड हैं उन्हें कॉपी किया जाता है और उसी में ही पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि जो अदर फंड्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और वो डिसाइड करता है कि कब किस फंड को निकालना है और कब किसी फंड को खरीदना है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम हो जाता है।
चौथा फैक्टर होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। जितने भी लार्ज कैप फंड्स होते हैं इनमें पोटेंशियल होता है हमें हाई रिटर्न देने का। देखिए लार्ज कैप फंड्स एकमात्र ऐसे फंड्स होते हैं जो कि कम से कम रिस्क लेकर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। इन फंड्स पर शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का और फ्लक्चुएशन का कोई खास असर नहीं पड़ता है, बहुत ही मिनिमल सा असर पड़ता है, और इनमें पोटेंशियल होता है कि ये हमारे रिटर्न्स को एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। पांचवा फैक्टर जिसकी वजह से इंडेक्स फंड को हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, चाहे वो बिगिनर हो चाहे प्रो हो, देखिए इसकी जो सिंप्लिसिटी है और पार्शियलिटी है उसकी वजह से ये फंड बहुत ही ज्यादा आकर्षक बनते हैं। अब कैसे, देखिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा विद्वान होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रिसर्च करनी है। आप सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट की टॉप कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब लार्ज कैप फंड्स और इंडेक्स फंड के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उसको जानने के बाद हम जानेंगे कि हमारे वो फंड्स कौन से हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए जब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिंपली मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पैसिव मैनेज फंड होता है इसलिए जो इसका एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी कम होता है, रिस्क भी कम होता है। लार्ज कैप फंड की जब हम बात करते हैं तो ये लार्ज कैप कंपनीज में तो इन्वेस्ट करता है लेकिन ये पूरी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता है। जैसे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ये टॉप 50 कंपनीज में से जो सिलेक्टेड कंपनीज इसे अच्छी लगेंगी ये उन कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। और इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो इंडेक्स फंड के लार्ज कैप फंड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और रिटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिटर्न्स ये लाकर देते हैं। 1-2% का जो रिटर्न में डिफरेंस पड़ता है वो ये एक्सपेंस रेशियो में कवर कर लेते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि लमसम ये हमें सिमिलर रिटर्न्स ही लाकर देते हैं। तो अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड में जो बेस्ट फंड है वो कौन से हैं और लार्ज कैप फंड में जो बेस्ट फंड है वो कौन से हैं। हमारे पहले इंडेक्स फंड का नाम है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट टॉप 50 कंपनीज में की जाती है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा इंडेक्स फंड है वो है HDFC का इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट टॉप 30 कंपनीज में की जाती है। अब आप इन फंड्स में से अपने बेस्ट फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इन दोनों इंडेक्स फंड में से किस फंड में इन्वेस्ट करना है। देखिए इनके बीच में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि जो पहला इंडेक्स फंड है उसमें टॉप 50 कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा और जो दूसरा इंडेक्स फंड है उसमें टॉप 30 कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा सा कम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए तो आप सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा दो लार्ज कैप फंड्स के बारे में जानते हैं कि अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो दो बेस्ट लार्ज कैप फंड्स कौन से हो सकते हैं। तो हमारा पहला फंड है कनाडा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड और दूसरा फंड है एक्सिस का ब्लू चिप फंड। तो आप इन दोनों में से देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी लार्ज कैप फंड्स वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने इन चारों फंड्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करी है और उनकी फंड परफॉर्मेंस, रिटर्न्स, होल्डिंग्स, सेक्टर एलोकेशन सभी के बारे में डिटेल में बात करी है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एक और सवाल जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में आता है कि जिस ऐप के थ्रू वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऐप या फिर वो कंपनी बंद हो गई तो उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को देखिए जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि अगर फ्यूचर में ये बंद हो भी जाती हैं तो आप किस तरह से अपने अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ब्रोकिंग ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवाकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट को ओपन होने में 2-3 दिन का टाइम लगता है इसलिए आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए सो दैट कि आप जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकें। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा उन सभी लोगों के साथ जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं या जो भी लोग म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा।
तो चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।